नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बौखलाहट में हैं, वहीं प्रदेश में 5 साल से पहले सरकार बनाने के खोखले दावे कर रहे हैं। अभी तक इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये बात बिलासपुर पहुंचे शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की प्रदेश में भाजपा की हार के बाद बौखलाहट बढ़ गई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सलाह दी है कि वे अनुभवहीनता वाली बातें ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि एक विधायक के इशारे पर पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की अनाप शनाप बातें करना शोभा नहीं देती है। विक्रमादित्य सिंह ने और क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। पहले तो सभी लोग बहुत बहुत बिलासपुर क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और नई साल के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार का आगाज हो रहा है और नई सरकार की विधायकों की जो शपथ है वो सभी चुने हुए विधायकों की शपथ जो है वो विधानसभा में होने जा रही है। शीतकालीन सत्र है और जो हमारे प्रदेश के माननीय नव निर्वाचित मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके नेतृत्व में और हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, उनका पार्टी के नेतृत्व में हम सभी जो हमने चुनावी वादे जो लोगों से किए हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब अग्रसर हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य जो पहले भी कई मापदंडों में रहा है वापस उसी स्थान पर हिमाचल प्रदेश को ले जाने के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। जो हमारी नेत्री हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनके नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस पार्टी का विधायक दल और आगामी जब अभी सरकार का भी एक्सपेंशन होगा उसमें हम सब मिलकर सरकार को और सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और जो भी वादे हमने चुनावों में किए हैं उनको यथायथ जो है वो समय रहते हुए बजट के माध्यम से और कैबिनेट के माध्यम से उनको पूरा किया जाएगा।